वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। सो लेट्स बिगिन। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आज डिस्कशन करने वाले हैं पोटेंसी सेलेक्शन पे। इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क बिकॉज पोटेंसी सेलेक्शन होम्योपैथिक में ससेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। सो ड्यू टू इन्वायरमेंट चेंजेस एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से सेलेक्शन ऑफ पोटेंसी भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट यस, आप एक वेल रिनाउंड एक होम्योपैथ हैं, एक एजुकेशनिस्ट होम्योपैथ हैं, तो डेफिनेटली यू कैन सेलेक्ट। सो लेट्स बिगिन। पोटेंसी सेलेक्शन कैसे करें, तो इसके कुछ रूल्स हैं और कुछ फैक्टर्स होते हैं। सो पहले जान लेते हैं कि पोटेंसी कौन कौन सा पोटेंसी होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पोटेंसी यू कैन से, लो पोटेंसी, मीडियम पोटेंसी एंड हायर पोटेंसी। जो मेडिकेशन आप करते हैं अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, तो आप अपने पोटेंसी को रखते हैं डिजीज़ के अकॉर्डिंग। तो जो लो पोटेंसी होता है 30 से बिलो होता है, और मीडियम पोटेंसी जो होता है 30 से लेके 200 तक होता है, और जो हायर पोटेंसी होता है 200 एंड अबव, लाइक 1 mm, 10 mm, 50 mm, ये हायर पोटेंसी होते हैं। तो ये पोटेंसी हम लोग समझ लिए। अब इसका सिलेक्शन कैसे करें, तो जैसे कहा जाता है कि सिलेक्शन टोटली डिपेंड करता है ससेप्टेबिलिटी पे। तो जैसे बच्चे होते हैं मोर ससेप्टेबल हैं, जो भी उनके, बिकॉज बच्चे और यंग पीपल जो होते हैं, यंग एडल्ट जो पीपल होते हैं, इनके में ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है, बिकॉज देयर इज़ नो वेयर एंड टेयर इश्यूज़, यानी कि उनके बॉडी में कोई वेयर एंड टेयर का प्रोसेस नहीं चलता है। एंड व्हेन वी कम टू द ओल्ड पर्सन, देयर इज़ सम वेयर एंड टेयर फंक्शन गो ऑन अकॉर्डिंग टू द एजेस, दैट्स वाई उसमें क्या है, ससेप्टेबिलिटी जो रहता है वो लो रहता है। तो उनके में जो है लो पोटेंसी का सिलेक्शन किया जाता है। और जैसे कि बच्चों में ससेप्टेबिलिटी जो रहता है हाई रहता है, सो उसमें हायर पोटेंसी सेलेक्ट किया जाता है। एंड जो ओल्ड एज के हैं उनमें मीडियम पोटेंसी का सिलेक्शन किया जाता है या लो पोटेंसी का। तो ये ससेप्टेबिलिटी की बात हो गई। अब इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एज की बात करें सबसे पहले, तो एज में जो है मैं बता दी, यंग लोगों में या फिर बच्चों में ससेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, सो हायर पोटेंसी सोचा जाता है। और साथ ही साथ अगर ओल्ड एज हो गए हैं तो उसमें लोअर पोटेंसी यानी कि मीडियम पोटेंसी तक का इस्तेमाल होता है। अब इसमें जो है जैसे कि कुछ फैक्टर्स डिपेंड करता है, लाइक मेंटल और फिजिकल। जैसे कि मेंटली बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स मिलते हैं, लक्षण मिलते हैं, साइकिक पेशेंट होते हैं या साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर होता है, बहुत ही ज़्यादा मेंटल सिम्टम्स मिलते हैं, उसमें जो है हायर पोटेंसी सोचा जाता है। और जो फिजिकल सिम्टम्स कम रहते हैं उसमें कैन गो फॉर द लोअर एंड मीडियम पोटेंसी। एंड लाइकवाइज जो मेंटल सिम्टम्स बहुत मिलता है, लाइक सिटीज़ में आजकल लाइफस्टाइल के बदलाव में बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहता है। एंड यू कैन सी कि आज के लाइफस्टाइल के बदलाव की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एनजाइटी, फेयर, एप्रीहेंशन, ये सारी चीज़ें बना रहता है, सिटीज़ में अक्सर होते हैं। तो जो सिटीज़ में, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें देखा जाता है, सो हायर पोटेंसी अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट देखा जाता है। और जैसे आप जैसे कि आप रूरल एरिया में चले गए, तो कुछ महिलाएं होते हैं जो कि उनको मेंटल स्ट्रेस कम होता है, बिकॉज दे डू द फिज़िकल वर्क मोर। तो उस केस में क्या होता है कि लोअर पोटेंसी को सोचा जाता है या मीडियम पोटेंसी को। अब आते हैं बीमारी एक्यूट है या क्रोनिक। सडनली एक्यूट डिजीज़ है उसमें हायर पोटेंसी सोचा जाता है, बिकॉज उसमें रैपिड फंक्शन होते हैं कोई चीज़ों का, मतलब लगातार कुछ एक्यूट बीमारी आता है तो अपना समय से आता है और लगातार अपना काम करता है, बुखार होता है, फीवर होता है, छींक होता है। लाइकवाइज बॉडीली फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं एक्यूट कंडीशन में, तुरंत तुरंत उसमें होता है बदलाव। तो एक्यूट कंडीशन में हायर पोटेंसी सोचा जाता है, बट वाइटिलिटी उसमें डिस्टर्ब नहीं रहता है। लेकिन एक्यूट कंडीशन में अगर वाइटिलिटी डिस्टर्ब हो गया है, लाइक वाइटल फंक्शन डिस्टर्ब हो गए, जैसे कि डायरिया हो गया, एक्यूट कंडीशन हुआ है, डायरिया है, वोमिटिंग है, तो उसमें वाइटल फ्लूइड लॉस हो रहे हैं, वाइटिलिटी लो हो रहे हैं, तो उसमें लोअर पोटेंसी सोचना पड़ेगा, बिकॉज ये एक्यूट कंडीशन का वाइटिलिटी लो है, दैट्स वाई इसमें लोअर पोटेंसी को सोचा जाएगा।
अब ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पोटेंसी का सिलेक्शन ससेप्टिबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैं बता दी, हायर पोटेंसी को सोचा जा सकता है बच्चों में और यंग एज में, लोअर पोटेंसी मीडियम पोटेंसी को सोचा जा सकता है ओल्ड एज, एंड ऑल एक्यूट केस में हायर पोटेंसी जिसमें कि सडनली हुआ बट वाइटलिटी को इफेक्ट नहीं किया उस केस में जो है हायर पोटेंसी देंगे। और जैसे एक्यूट केस में वाइटिलिटी लो हुए हैं यानी कि जो वाइटल फ्लूड्स लॉस हुए हैं उस केस में जो है आपको लोअर पोटेंसी को सोचा जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे आपका फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं बट आपका जो है पैथोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं है, मेंटल सिम्टम्स हैं, उस केस में लोअर या हायर पोटेंसी, मीडियम या हायर पोटेंसी सोचा जाता है। लेकिन जहाँ पे पैथोलॉजिकल कंडीशन आ गई यानी कि जहाँ पे घाव बन गए, अल्सर बन गए, उस केस में लोअर पोटेंसी दिया जाता है, उसमें हायर पोटेंसी नहीं देना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, साइलेशिया हो गया, हिपरसल्फ हो गए हैं, तो हिपरसल्फ जो है अगर लोअर पोटेंसी में देते हैं तो वहाँ पस बना सकता है और हायर पोटेंसी में देते हैं तो पस ऑब्जर्व कर लेता है। वैसे हिपरसल्फ की बात करें, ये हिपरसल्फ की बात हुई, साइलेशिया की बात करें तो जिसमें कि लोअर पोटेंसी में देते हैं तो पस उसमें जो है फॉर्मेशन करेगा, लेकिन हायर पोटेंसी में देते हैं तो ऑब्जर्व कर लेगा, पस को खींच लेगा, सुखा देगा। तो ये कुछ मेडिसिन है जो कि एग्जांपल दे रही हूँ, इसलिए जैसे कि अगर ये पोटेंसी का सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जहाँ आपके बॉडी में लंग्स में कुछ इन्फेक्शन है लाइक ट्यूबरक्लोसिस है या ब्रोंकियाटैक्सिस है, उस केस में अगर आप फॉस्फोरस जैसी मेडिसिन देते हैं या साइलेशिया जैसी मेडिसिन देते हैं या ट्यूबरकुलिनम जैसी मेडिसिन देते हैं तो उसमें हो सकता है कि पस बना दे, पस को और बढ़ा दे या फिर उसमें ऑब्जर्व कर ले, तो उस केस में जो है इस मेडिसिन को नहीं सोचा जाता है बिकॉज ये डेंजर होते हैं साइलेशिया लाइक हिपरसल्फ ये फॉस्फोरस जैसी मेडिसिन जो होते हैं, पोटेंसी का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज अगर आप लोअर पोटेंसी देते पस और बढ़ा देगा, दैट्स वाई कुछ लंग्स के कंडीशन में ये मेडिसिन नहीं दिया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आए होंगे, हेल्पफुल लगा होगा। इफ़ इट इज़ दिन लाइक सब्सक्राइब एंड श्योर एंड येस, पोटेंसी का सिलेक्शन आपके जो है परसेप्शन पे ज़्यादा डिपेंड करता है, आप कैसे पर्सन को पेशेंट का ससेप्टिबिलिटी को समझ पा रहे हैं वो टोटली डिपेंड करता है आप पे, और कुछ फैक्टर्स हैं और कुछ रूल्स हैं जो मैं इस वीडियोस में बताई हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।